आज रिंकू मैंने साइरट देखी 5वें हफ्ते में सिंगल स्क्रीन थिएटर में. वीकडे था, आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे था, लेकिन हॉल तब भी आधे से ज़्यादा फुल था. और जब गाने शुरू हुए तो लोग नाचने लगे. और जब मैं देख रही थी मुझे लगा कि एक फिल्म मेकर के लिए, एक एक्टर के लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि 5वें हफ्ते में आप लोग इतना इन्जॉय कर रहे हैं. और मुझे लगा कि काफ़ी लोग तो रिपीट ऑडियंस थी, उनको पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो इतना इतना मज़ा ले रहे थे. और एक फिल्म बनती है जो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से अपनी शुरुआत करती है और यहाँ आके अभी तो रुकी भी नहीं है कि बिगेस्ट हिट इन द हिस्ट्री ऑफ मराठी सिनेमा. लोग इतनी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्रिटिक्स इतनी प्रशंसा करते हैं, ये ज़्यादातर नहीं होता है. तो ये एक फिल्म मेकर का सपना होगा कि ऐसी कामयाबी कभी हमारी लाइफ में एक बार तो आए. पर जब आती है नागराज तो क्या होता है? इन 5-6 हफ्तों में आपकी लाइफ तो शायद बहुत ही बदल गई होगी, लेकिन आप कैसे बदले हैं? मतलब मैं मेरे जो मुझ में एज इंसान जो बदलाव है मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ. आपको लगता है ऐसे ही है रिंकू? ऐसे ही है क्या? मतलब क्या बदलने के क्या चांस है? इतने कम वक्त में अगर बदल जाएं तो वो भी पता नहीं वो बदलाव ठीक है या नहीं है. लेकिन इर्द गिर्द की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही बदली है. मेरा फेसबुक जब फैंड्री था तब फैंड्री रिलीज होने से पहले कुछ 200-250 फ्रेंड थे मेरे. फैंड्री के बाद 5,000 पूरे हो गए और कुछ 30,000 फॉलोअर्स थे. अभी तो मेरे 2,00,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स बन गए. और लोग, मैंने सुना आपने फेसबुक पेज बंद कर दिया. बंद मतलब मैंने एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें चल रही थी इतना फेसबुक व्हाट्सएप पे उसकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें चल रही थी. और फिल्म देखने से पहले ही शुरू हो गया था, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों हो गया लेकिन हो गया था. तो मैंने सोचा कि बेहतर यह है मैंने फिल्म बनाई है, फिल्म देखे और जो भी उसका इंटरप्रिटेशन है वो फिल्म देख के करे, मैं मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने फेसबुक व्हाट्सएप फोन स्विच ऑफ करके रख दिया. हाँ, मैंने बहुत टाइम आपका फोन ट्राई किया, मुझे एक बार भी नहीं मिला. सॉरी, मुझे इतना एक महीने से मैं इनका पीछा कर रही हूँ. सॉरी, मैं उसके लिए बहुत मतलब. बट फोन उसी दिन बंद कर दिया. बिल्कुल, मैं तीसरे दिन मैंने फोन बंद कर दिया क्योंकि इतना वो मतलब कहते ना कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं सब फोन अटेंड करूँ. मेरा फोन मिस कॉल से स्विच ऑफ हो जाता था और प्रति मिनट कम से कम 5-6 कॉल मुझे आते थे और इतना मैं अटेंड नहीं कर पाया. शुरू में सबको थैंक यू और सब कुछ बोलता रहा, फिर पता चला कि ये हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं पागल हो जाऊंगा. और डॉक्टर ने, सब लोग ने कहा कि तू इतना फ़ोन पे बात नहीं कर. तो मैंने कहा, डॉक्टरों ने कहा, क्योंकि मेरे मैं शाम होते होते मैं एकदम थक जाता था और मेरी आवाज़ चली जाती थी और मैं ऐसे बैठता था, मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है. फिर मेरे दोस्त ही है डॉक्टर मतलब, तो उन्होंने कहा कि यार इतना फ़ोन पर बात करना ठीक नहीं, तो बाद में ये कर. मेरा मेल बॉक्स जाम हो गया, 15-16 हज़ार कितने 20,000 मेल आए होंगे पता नहीं. तो ये सब जो देखना ही बंद कर दिया. कैसे देख पाता मैं कि इतना मेल? फिर अभी बैठ के दो लोगों ने डिलीट किया पढ़ के, जो एकदम कुछ ये मेल थे उनको रिस्पांस दिया और ये किया. तो ये बदलाव जो है मेरे मुझे छोड़ के, जो मैं तो इंसान वैसा ही हूँ, लेकिन ये बदलाव मेरे लिए तो खुशी होती है कि थोड़ा डर लगता है. देखिए, ये सब भावनाओं से मैं गुजरा हूँ, बहुत खुशी भी हुई बहुत डरा भी. मतलब धमकियों से लेके पैसा जो है इतना मतलब कमाया, तो उसके चलते जो भी न्यूज़ अफवाहें जो भी हो रहा था, तो यार लगा ये सक्सेस है तो ये नहीं चाहिए. मैं अच्छा था जो घूम रहा था, मतलब शांति से जो भी होता था ना, थोड़ा अप्रिसिएशन ठीक है कि बहुत अच्छा फिल्म किया. ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये होगा. और एक वक्त पे मेरे मतलब पर्सनल ज़िंदगी से लेके सब कुछ साइराट के कारण, मतलब व्हाट्सअप फेसबुक पे ये हुआ. मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मेरा नज़रिया क्या है औरतों के प्रति, कोई कह रहा है बेहतर है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कोई काउंटर कर रहा है, तो ये सब कुछ हुआ. और इतना हाइपर ज़िंदगी मैं कभी नहीं जिया था. मतलब अब तक की लाइफ में ग्राफ अगर मान लो एक दफ़ा एकदम ऊँचा जाता था, दूसरी पल एकदम नीचा, सब कुछ होता रहा, सब कुछ हुआ. हम खुशी से नाचे भी, पांव भी तोड़ लिया ये करके सक्सेस पार्टी में. सक्सेस पार्टी में पांव तोड़ लिया. ये असल में यही हो रहा है, सब कुछ जो है ना साइकोलॉजिकली इमोशनली भी यही हुआ कि बहुत खुशी से नाचा हूँ और टूटा भी हूँ, तो अच्छा है. लेकिन है ज़िंदगी, ये नया है, पहली बार है मेरे लिए एक्सपीरियंस. और बहुत दफ़ा मतलब बहुत चीज़ें मैंने पहली बार किया, तो ये भी चीज़ है मेरी ज़िंदगी में कि पहली बार कर रहा हूँ. और रिंकू तो स्टार बन गई.
आपकी जिंदगी तो बिल्कुल ही उलट पुलट हो गई। हाँ, क्योंकि पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था, यहाँ वहाँ जाती थी, तब अब कहाँ भी जाओ तो सब पहचानते हैं, रिंकू नाम से नहीं पर आरजी नाम से सब पहचानते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि सब हमें इतना प्यार करते और आप जैसे बड़े बड़े लोगों को हम पहले देखते थे अब मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको अभी एक्टिंग नहीं करनी, मैंने पढ़ा कि आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। नहीं, करनी है। करनी है आपको? अच्छा। लेकिन उसका है कि वो पढ़ना चाहती है। दोनों चीज़ें, डॉक्टर बनना ही है, मैं बनूंगी। तो अ डॉक्टर हु एक्ट्स कि एन एक्टर हु इज आल्सो अ डॉक्टर, ये ट्रिकी होगा है ना? नहीं, पेशेंट्स की तो भीड़ लग जाएगी। मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन देने की भी जरूरत नहीं, देखने की फील आएगी। ऑटोग्राफ। बट आपको कभी डर लगा थोड़ा सा? मतलब जब इतना शोर गुल पेपर के फ्रंट पेज पे कि आपको 5 करोड़ का बोनस मिला है, तो उसका क्या असर होता है? 5 करोड़ का बोनस जो अफवाहें आई थी। हाँ, अच्छा, वो अफवाह है, वो झूठ है। मैं तो पूछने वाली थी 5 करोड़ के साथ आप क्या कर रहे हैं, वो सब झूठ है। पर कभी कभी ऐसे डर लगता है क्योंकि यहाँ वहाँ जाते हैं तो सामने बहुत लोग होते हैं, भीड़ होती है, और वहाँ उसमें से जाना होता है तो डर लगता है, पर मजा भी आता है। अच्छा है ना? अच्छा लगता है, सब प्यार करते हैं तो। लेकिन इस फिल्म बनाने में क्या चैलेंजेस थे नागराज? व्हाट वाज योर बिगेस्ट स्ट्रगल? क्या थे स्ट्रगल जो होता है, मतलब मैं फैंड्री जब मैंने लिखा किया और मुझे लग रहा था कि फैंड्री बहुत लोगों ने देखना चाहिए, मतलब मुझे लगता है एक डिसेंट फिल्म है, अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, डिसेंट नहीं, बहुत अच्छी फिल्म, लोगों को देखने के लिए भी। मतलब मैं सोच रहा था कि इसमें कोई क्लिष्टता नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि लोग इसको, मतलब होते ना कि आम तौर पे अगर आप कहते ना कि जो फिल्म क्रिटिक्स को अच्छी लगती है वो लोगों को अच्छी नहीं लगती, और ये जो डिफरेंस है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि यार बेहतरीन फिल्में हैं जो लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, और जो बकवास फिल्म है वो लोग देखते हैं। बॉलीवुड की भी फिल्में मैं देखता हूँ तो उससे भी मैं परेशान बचपन से होते आया हूँ, मैं भी बहुत परेशान। तो अच्छी बात है कि सही इंसान के सामने मैं ये परेशानी जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा था तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस मुझे इतना है बॉलीवुड का, क्योंकि मैं अमिताभ जी का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, और मैं हर एक चीज़ उनकी कॉपी करता था, और मैं छाँव में उनके जैसे मेरा बाल बनाता था, असल में बिगड़ जाते थे लेकिन छाँव में वो जो होता है ना अमिताभ स्टाइल, तो वो बना के घूमता था, शर्ट को गांठ मार के घूमता था, स्कूल में बहुत दफ़ा मैंने मार भी खाई है इसके लिए, तो ये होता था। लेकिन मैं जब बड़ा होते गया तो पता चला कि यार ये कुछ तो फिल्मों की वजह से मुझ में कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है, फिल्म ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं फिल्मों में होता था तो जब फिल्म देखता था तो बहुत कॉन्फिडेंट बहुत लगता था कि हम हीरो हैं, बाहर निकलते ही पता चलता था कि दुनिया अलग है। मतलब आप मतलब रियलिटी और जो फिल्म है उसका कोई कनेक्शन नहीं था। तो ये धीरे धीरे जब और थोड़ा बड़ा होते गया तो फिर पता चला कि इसका कोई वास्ता नहीं, और मेरी कहानी फिल्मों में कभी नहीं, बॉलीवुड में मेरा प्रतिबिंब कहीं नहीं दिखेगा, और मैं जो देख रहा हूँ पता नहीं ये किस दुनिया के लोग हैं, किस दुनिया की ये कहानियाँ हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स मन में बैठ गया, और इसमें उभरने में मुझे बहुत टाइम लगा। मतलब पूरा ये जाति व्यवस्था है यहाँ का, जो भी मतलब हमारा सौंदर्य शास्त्र भी जो है कि इस तरीके का, मतलब ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। हाँ, वो बहुत फॉर्मूला है कि सुंदरता क्या होती है और क्या नहीं है। हाँ, मतलब सभी तरीके, तो वो उससे उभरने के लिए बहुत वक्त गया मेरा। फिल्म मेकर तो मैं बहुत ही एक्सीडेंटली बन गया, और मैंने एक शॉर्ट फिल्म बना लिया, उसको नेशनल अवार्ड मिल गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, लोगों को लगा कि शायद ये फिल्म बना सकता है, और फैंड्री का स्क्रिप्ट लिखा। फैंड्री जब रिलीज़ हुआ तो जैसे मैंने कहा कि मुझे लगा था कि लोग ज़्यादा देखेंगे, लेकिन देखा नहीं, उतना लोगों ने देखा नहीं थिएटरों में, अभी देख रहे हैं लोग।
मैं सोच रहा था कि क्या क्या माजरा क्या है कि लोग फिल्म देखते नहीं, अच्छी फिल्म देखते नहीं। तो सैराट बना जब मेरे दिमाग में फैंड्री से पहले था सैराट की कहानी, तभी मैंने सोच लिया था कि ये फिल्म मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्या चीज़ है कि लोग देखते हैं। तो शायद ये ट्रैप भी था और फैंड्री भी एक ट्रैप है। मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ, लेकिन मैं एक ना एक ये पता नहीं एक अजीब सी कुछ कला है कि इस पर बॉलीवुड का बहुत ही 100 साल असर है, हाँ, असर है। हाँ। गाने आप बगैर गानों की फिल्म बनाओगे तो लोग नहीं आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मेरे लिए है। तो ये सब प्रॉब्लम थी जो इसको लेके मुझे आगे जाना था। मेरी बात कहनी है, मेरे ढंग से कहनी है, लेकिन जो बॉलीवुड के दर्शक हैं उन सबको मुझे ये फिल्म दिखानी है। ये मेरा असल चैलेंज था जो लिखने से पहले से मेरे दिमाग में था, तो वो मेरे लिए मतलब ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। बाकी तो है कि नॉन एक्टर मेरे फिल्म में रहते वो तो फैंड्री में थे, पिस्तुलिया में शॉर्ट फिल्म उसमें भी हैं, और वो चैलेंजेस मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये जो चैलेंज था कि ये मुझे करना है, और मैंने दिल में ये ठान लिया था, और मैंने मेरे भाइयों को दोस्तों को बोला था ये सैराट ज़्यादा लोग देखेंगे, ये ज़रूर आप नहीं। लेकिन आपने बहुत ही ब्यूटिफुली बैलेंस किया, क्योंकि जो जो हैं बॉलीवुड के जो एलिमेंट्स होते हैं कि वो गाना, वो स्लो मोशन, वो कॉलेज में मिलना, वो रोमांस, वो सब है, लेकिन वो जो रियलिटी है उससे कभी हम अलग नहीं हुए, जो इन लोगों को की रियलिटी थी। तो जब आप वो एक्चुअली फिल्म कर रहे थे या जब आप पिक्चर लिख रहे थे, तब स्ट्रगल हुआ कि ये मैं कैसे करूं कि वो बोट पे है और वो कहते हैं कि आर्ची उधर है और वो स्लो मोशन में टर्न करके पानी में कूदता है। हाँ। ये मुश्किल था ये कि ये जो बैलेंस आपने किया वो आसानी से आ गया। कंटेंट जो है वो इतना अर्दी था, इतना मतलब रियल, सब लोग हैं, उनकी इमोशंस बहुत असल हैं, लिखते रहे वो इतना रखा मैंने कि उसको कभी भी एग्जैगरेट नहीं किया, डायलॉग में नहीं किया, सीन लिखते टाइम नहीं किया। लेकिन जो भी ये फॉर्मूलाज हैं जो हरदम हमारा फिल्म यूज़ करता है, मैं चाहता था कि उनको इतना तोड़ मरोड़ के यूज़ करूँगा कि वो फॉर्मूला नहीं लगेगा और वो इतना मिक्स हो जाएगा और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या देख रहे हैं। मतलब वो मैं करना चाहता था, वो मैंने किया, वो बहुत अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली पहले दिन से करता रहा। म्यूज़िक जब अजय अतुल हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो हम लोगों की जब डिस्कशन होती थी और बात करते थे, तभी हमने डिसाइड किया था कि लोग सिंपल रहेंगे, म्यूज़िक लेकिन जितना फिल्मी लार्जर देन लाइफ हो सकता है उतना हो सकता है। आता तारट झालू या तुझ्या घरात आलू या लई फिरून बांधा वरून कल्टी मारून आलो या आग ढिंचक जोरात टेक्नो वरात दारात आलो या झालंय क्योंकि इमोशन जो है प्यार, मतलब शाहरुख खान प्यार करे या हमारा परसा प्यार करे, वो तो प्यार ही है, सेम ही है। right. तो हम उसको कहीं कम नहीं कर दें, उसको हम इज्जत से ट्रीट कर दें, ये ख्याल था दिमाग में। और स्लो मोशन हो या जो फिल्म जिस तरीके से दिखनी चाहिए थी, वो पहले दिन से मेरे दिमाग में था कि फैंड्री जैसे एकदम जो रस्टिक लुक था वो नहीं होगा, क्योंकि प्यार वाली बात है, इस इन सब लोगों का एज है, इनका जो कैरेक्टर और उनके स्वभाव जो है, ये तीन दोस्त अर्ची हो या गांव का माहौल, तो उस तरीके से मुझे ट्रीट करना था। और धीरे 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 फिर उनको वहाँ से निकालना भी था, मतलब वो होता है ना कि हम बच्चों को कभी हमारे इसमें ही थे कि हम शक्कर की अभी वो हिंदी में मुझे शब्द अंगुंठन जिसे कहते हैं कि आप शक्कर भरी इसमें एक कड़वी दवा दे दी, तो वो मुझे करना था कि चाय में घोल के एक मजेदार है हमारे, मतलब पता नहीं कब, लेकिन कोई ना कोई तो इस कड़ी में मतलब उनका ये होगा कि
एक जैसे कि जो एकदम फॉरेन फिल्म जैसी है, हमारे यहाँ अभी कोर्ट थी या बाकी फिल्में, वो फिल्म देखने के लिए लोग अभी तैयार नहीं है क्योंकि उनको ना बहुत गुमराह हुए हैं, बहुत ही अलग ट्रैक पे हैं लोग, और ज़िंदगी के भी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि लोग मुझे पता नहीं चलता कि लोग इतने गाने क्यों देखना चाहते हैं, असल जिंदगी में गाना बिल्कुल नहीं, मज़ा आता है, हाँ मज़ा आता है लेकिन ज़िंदगी में कुछ गाना नहीं है, तभी तो फिल्मों में तो होना चाहिए यार। हाँ लेकिन वो इसी ख्वाहिश ने शायद ना बहुत ये कर दिया, मतलब असल जिंदगी और फिल्मों को बहुत दूर रखा है, बहुत अलग है, बहुत अलग रखा है, और ये ना डिप्रेसिंग है। हम कभी भी मतलब पता नहीं हम क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब मैं फिल्म का सीन देखता हूँ, हीरोइन को देखता हूँ फिल्मों में तो बहुत बहुत बुरा लगता है, कि मैंने कल परसों भी कहा कि हीरोइन इतनी अटपटी ढंग से गानों में नाचती है या हीरो उनको उठा लेता है, तो वो पोजिशन में आप बिल्कुल हंस नहीं सकती, मुझे लगता है आपने गुस्सा होना चाहिए, आपने गाली देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो चेहरे पर मुस्कुराहट है, ऑकवर्ड पोजिशन में वो हंस रही हैं, ये देख के मुझे बुरा लगता है कि यार ये कुछ नहीं है। तो जो सिंपल सी बात है, क्योंकि हीरो तो देखो मेरी एक कहानी है और मेरी कहानी का मैं खुद हीरो हूँ, मेरी कहानी में कोई दूसरा हीरो नहीं है, अमिताभ बच्चन हीरो नहीं है ना शाहरुख खान हीरो, मेरी कहानी है मैं हीरो हो सकता हूँ, तो मुझे लगता है छोटी कहानी है और छोटा हीरो है, लेकिन वो खुद की कहानी का हीरो है। उस तरीके से मैंने सैराट को देखा था, सैराट एक छोटी एकदम गाँव की लैंग्वेज से लेकर सब अलग है, लेकिन उसकी हीरो हीरोइन अर्ची परशा है और वो हीरो है जो भी है। तो इस बट आपकी हीरोइन भी बहुत अलग थी। हाँ। मतलब आई डोंट नो कि कब लास्ट मैंने एक ऐसी हीरोइन देखी है जो वो जो एक पहले वो कॉलेज में जो सीन है जब वो मुड़ती है और वो देखती रहती है और घूरती रहती है ना, वाज लाइक वाओ यू नो कि ये कब होता है, मैं मुझे नहीं पता कि हिंदी फिल्मों में लास्ट कब ऐसी यू नो इतनी इंटरेस्टिंग निडर कॉन्फिडेंट फिर भी बिल्कुल ह्यूमन, ये नहीं कि कोई सुपर वुमन आ गई, यू नो आई नेवर फेल्ट कि ये औरत नहीं हो, ये लड़की नहीं हो सकती। हाँ। वो थी। हाँ। तो ये कहाँ से आई, मतलब ये आपने क्रिएट कैसे की, ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं या ये आर्ची बनी कैसे और आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए इनको? इस मतलब ये रियल लाइफ में कुछ होते ना छोटे छोटे प्रेरणाएं हैं कि जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, लेकिन सेम हूबहू आर्ची जैसी लड़की मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं चाहता था कि ऐसी लड़की हो। जैसे कहा ना कि पुरुष है जो है ना वो हरदम ऐसे होता है कि वो देखे, वो निर्लज ही है कि वो रास्ते से जाएगा घूरेगा और हमको लगेगा ये हक है उसका, वो प्यार भी करेगा तो ऐसे आएगा एकदम वो देखेगा। मुझे लगता है औरत नहीं हो सकती है, और यहाँ सीमाएं इतनी हैं कि औरत ने देखा जरा देर देखा तो हम तर्क वितर्क करने लगते हैं, हम कन्फ्यूजन और हाँ, देखते हुए भी मुझे लगा वाओ ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, है कि एक औरत ऐसे देख रही है, यू नो देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ना कि जैसे देखो हमारे आप जितना गाँव में जाओगी थोड़े अच्छे थोड़ा बोल्ड, अब उनको बोल्ड कहेंगे, थोड़े मनपसंद कपड़े पहन लिए तो लड़की बिगड़े ले, कुछ तो खराबी है। और मतलब हरदम के तो पुरुष इतने बेशरम हो सकते हैं और उसका कुछ आप उसको नोटिस भी नहीं करोगे, तो ये भी है हमारे पूरे डबल स्टैंडर्ड तो बहुत है। तो मुझे लगता है कि हीरोइन भी इसका शिकार है, मतलब आप कम कपड़े पहनोगे तो आप बोल्ड, ये कोई बोल्ड होना नहीं है, ये तो ना गलत रेस में दौड़ने वाली बात है। ये पुरुषों ने मतलब इसका ये किया है, आयोजन किया है और उसमें महिला दौड़ रही है, उसमें जीत के भी कुछ होगा नहीं, तो वो खुद की रेस में दौड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये रेस अलग है, और ये मतलब सभी मतलब ब्यूटी कॉम्पिटिशन हो या हीरोइन जिस तरीके से होती है, मुझे लगता है कि ये नहीं है यार, ये कोई अल्टीमेट एम नहीं हो सकता कि औरत ऐसी बने, तो औरत ने औरत जैसे बनना चाहिए जैसे वो है, और मुझे लगता है, मुझे खुद लगता है, लेकिन ये पूरी सारी औरतों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, फिर कन्फ्यूजन कर देते लोग कि कुछ मतलब ज़्यादातर 90% हो जो मुझे लगता है कि पुरुषों से औरत जात आज भी बेहतर है, क्योंकि वो बहुत प्यारी है, प्यार करने वाली है और वो हिंसा से भरी नहीं है पुरुष की तुलना में। तो मुझे वो लगता था कि ये जब सूत्र है सब वो औरतों के हाथ में होना चाहिए, और सैराट में मैंने वो ट्राई किया। मैं पग भी गया था ऐसी हीरोइनें देख के कि जो एकदम गानों में आके नाचती हैं फिर गायब हो जाती है, फिर हीरो की कहानी देखते हैं, फिर कहीं पे आएगी अंत में मुश्किल होगी, वो जैसे तो प्रॉप आता है ना एक, हाँ एकदम टेस्ट जैसे मतलब नमक जैसे वो आएगी, और उसकी उससे ज़्यादा उसको महत्व ही नहीं है। लेकिन नागराज इतनी मतलब ये दोनों एक्टर हर फ्रेम ऑलमोस्ट हर पिक्चर के हर फ्रेम में दोनों हैं, और आपने नॉन एक्टर्स लिए 15 साल की, मतलब
कहाँ से आपने कैसे डायरेक्ट किया? रिंकू मैंने आपका कोई एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने बोला कि मुझे तो लगता था हर दिन जैसे इम्तिहान मैं दे रही हूँ. तो ये बहुत टफ है क्या काम जब होता है शूटिंग पर? कभी चिलम चिली करते हैं नागराज? नहीं, चिल्लाए तो कभी नहीं. कभी भी नहीं? नहीं, कभी नहीं. बहुत पेशेंस है आप में? पता नहीं ओ, कभी नहीं चिल्लाए. सब सभी कुछ भी हमसे गलती हो जाए तो पैर से सब बताते थे शायद. दो ऐसे क्या बोलते एक्टिंग करके, क्योंकि आप खुद भी एक्टर हैं. हाँ, बहुत अच्छा एक्टर. बहुत अच्छा एक्टर है. हाँ, हमें नहीं आता तो हमें करके दिखाते थे तो मैं ऐसा करो तो नहीं नहीं आ रहा है तो बताते कि ऐसा नहीं जम रहा है तो तुम कैसे कर सकती हो ऐसा करो. कभी नहीं चिल्लाए हमें, सब प्यार से करते थे. रियली? हाँ. तो कभी मतलब रोना वोना कभी रियल लाइफ में नहीं आया? नहीं, मैं रोई तो रियल फिल्म में तो नहीं. फिल्म का रोना तो अलग है. मतलब नहीं ऐसा कभी नहीं. हाँ, ऐसा कभी नहीं. कभी भी कभी नहीं हुआ, मुझे तो नहीं याद आ रहा. तो नागराज, हाउ डिड यू नो कि रिंकू कर सकती हैं?